चलिए आप लोग से मिलाते हैं बीपीएससी सेलेक्टेड लड़की से, चले आ जाइए वो। आप भी आ जाइए। देखिए आप लोग भी अपने ऐसा काम कीजिए कि आपको भी गार्जियन लोग को भी यहाँ आने का मौका मिले। यहाँ पर एक हफ्ता इतने 25-26 साल में जब एक अधिकारी बनकर एक एरिया कंट्रोल करने को मिलता है तो बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे 5 दिन पहले पूछे, हम इसे पूछे बबनी बताओ क्या चीज़ चेंजिंग हुआ, तो कहते सर 5 दिन में बहुत चेंज हो गया, यहाँ पे रिजल्ट आने से पहले और रिजल्ट आने के बाद में बहुत चेंजिंग हो गया यहाँ पे। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और लड़की लड़का सब लोग जो भी जैसे आएगा अभी एक एक करके जैसे सब लोग का रिजल्ट आते जाएगा आप लोग से मिलाते चलेंगे। आप लोग को समझ में आएगी नहीं आ गया यहाँ पे, और एकदम इसी एज में एकदम अपना एरिया संभालना है, समझ में आ गया। बाकी इनके लिए एक बड़ी बिग हैंड। अच्छा बाकी ये भी अपने बारे में कुछ बताएंगी कि कैसे इनके फैमिली क्या था, और इसके सिलेक्शन के लिए एक संस्था की ओर से जो सम्मान अच्छा ये किसका इंटरव्यू है, आप ही का है ना ये, हाँ तो इन्हीं का इंटरव्यू था यहाँ पे उस दिन, तो इंटरव्यू वगैरह सब चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। आप लोग को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी बाबू आप बताइए कुछ, मुझे ये रख देते हैं, बाकी बैठ जाइए आप लोग, हाँ इसको ऐसे पहन लीजिए, हाँ ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर लेते। ओके ओके, सर ने मुझे कहा था कि मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँ, तो स्ट्रगल सबके होते हैं जैसे आपके हैं मेरे भी थे। मैं अपने बारे में बस एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं एक बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। कहा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्टूडेंट होती है जिनके माता पिता का कोई एजुकेशन स्ट्रांग बैकग्राउंड नहीं होता, तो मैं वैसी ही फैमिली से हूँ। मेरी जनरेशन फर्स्ट थी जिनको एजुकेशन एक प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड की गई। मैं पहली लड़की हूँ अपनी दादी के यहाँ और अपनी माँ के फैमिली से जिन्होंने एक प्रॉपर एजुकेशन ली, 10th पास किया, ग्रेजुएशन किया एंड सिविल सर्विसेज की परीक्षा को क्लियर किया। तो मैं बस आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ अपने सर्कमस्टांसिस के साथ, अपनी फैमिली के सपोर्ट के साथ, तो आप लोग भी ज़रूर कर सकती हैं। पढ़िए, मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए एंड आप सबको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को भी बड़ा गर्व महसूस होता होगा। लाइव वाला पूछ रहा सर मिठाई कहाँ है, मिठाई हम चैम्बर में खा लिए। अब इनके चाचा जी हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इनका अपना यहाँ पटना के ही हैं ये, तो आपको जैसा कि बताई इन्होंने कि फर्स्ट लाइन जो एजुकेशन का था, आप सोचिए ननिहाल और ददिहाल में फर्स्ट जिन्होंने 10th पास किया, तो ऐसे बैकग्राउंड का रोना आप लोग नहीं रोइएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया, आगे आप लोग भी मेहनत कीजिए, अगली बार आइए, ठीक है। ठीक है चलिए, थैंक यू। इनका जब वो इंटरव्यू चल रहा था ना, तो 2 बार बुलाया गया था, फर्स्ट टाइम पे इंटरव्यू था तो फिर सेकंड टाइम पे भी हमको लग गया था यहाँ पे। अच्छा एक काम करते हैं, रुकिए हम आपको दिखाते हैं इस इंटरव्यू का जो हमने मार्क्स दिया था इंटरव्यू में। एको पूछ रहा है पोस्ट क्या है, एको कहावत कहा जाता है मॉरल हाथी भी 100 मन का होता है। बीपीएससी का लास्ट पोस्ट ना थोड़ा एसएससी से ऊपर होता है। इसको मोबाइल में है ना, नहीं यहाँ मोबाइल में किसे दिख पाएगा, यहाँ पे उतना बड़ा स्क्रीन नहीं होता है। हा? पेज है हाँ, ये 90% हमने इंटरव्यू में इनको दिया था, 90% दिए थे यहाँ पे, वो है पेपर
वहाँ पर कर, कोई बात नहीं, यहाँ पे मोबाइल में तो दिखाई ही दिए, यहाँ पे, यहाँ पे तुम लोग को भी दिखाएंगे। जब इंटरव्यू ले रहे थे लोग ना सर, तो दिमागे काम करना छोड़ देता था, क्योंकि अभी जो इंटरव्यू देने आया उसका बैकग्राउंड अलग, उसकी हॉबी अलग, नाम अलग, सब कुछ अलग, गाँव उसके बाद जो आया उसका अलग। 4-5 तक तो दिमाग ठीक रहता था, 8-10 के बाद ना कन्फ्यूज होता, ये भागलपुर का है कि मुजफ्फरपुर का जैसे अजीब टाइप का हो जाता है, हॉबी अलग, सब चीज़ अलग। तो आप लोग भी मन लगा के मेहनत कीजिए, और नेक्स्ट टाइम पे आप सब लोग को बीपीएससी में रिजल्ट नहीं बल्कि कब्जा कर लेना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? आप लोग का स्टेटिक्स खत्म ही हो गया है, प्रैक्टिस आप लोग को घर से करते रहना है यहाँ पे। अच्छा लेते आए जी, अरे इसका इंटरव्यू भी बड़ी लंबा था सर, देखिए ना इंटरव्यू लिए थे ना, ये है ना नेहा गुप्ता, देखिए इसका इंटरव्यू में बड़ा अच्छा जवाब देती, 3 पेज का था यहाँ पे, सब चीज़ ठीक ठाक था इसके में भी, एक गड़बड़ी थोड़ा थोड़ा तो जहाँ था वहाँ पे समझा दिए थे, तो फिर दोबारा ही बुलाए थे 90%। हाँ हाँ तो देखिए अगर हम लोग इंटरव्यू लिए थे ना, तो अगर किसी के इंटरव्यू पे हम लोग इतना लिख रहे हैं, इट मीन्स आप समझिए कि वो स्टूडेंट कितना सिंसियर हुआ होगा, बोर्ड भी सिंसियर रहा होगा यहाँ पे। इसके ऊपर 2 चीज लिखे थे, पहले ही लिख दिए थे, यहाँ पे लिखे हुए हैं देखो, अगेन लिखे हैं ब्लू पेन से, इसको दोबारा बुला के लाना है, समझाया? और दूसरा इस पर कितना मार्क्स दिए हैं, 90 हो गया। जिसको हम लिख देंगे ना, पीएससीओ नहीं काटेगा।